ये है सामने लिफ्ट, और अब मैं जाऊंगी लिफ्ट से अंदर मेट्रो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देवभूमि मीनू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल पीपल। फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू चांदनी चौक मार्केट। लेट्स सी गाइस, हाउ इज द जर्नी ऑफ चांदनी चौक मार्केट। आगे हो रही है चेकिंग काउंटर, यहाँ पे चेकिंग होती है। तो दोस्तों, मेट्रो का इंतजार हो रहा था, लेकिन मेट्रो इज कमिंग। गाइस, अभी भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मेंटेनेंस डिस्टेंस रखें, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी लोग, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, डिस्टेंस का पालन नहीं रख रहे हैं, तो ये गलत गाइस बात है। गाइस, दोस्तों, अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें और डिस्टेंस बनाए रखें, तभी तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं। हाँ,
गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मार्केट लोग जाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो सारे लोग ऐसा लगता है कि कोरोना था ही नहीं, बेफिक्र होके लोग घूमने जा रहे हैं और मार्केट जा रहे हैं। तो गाइस आप अपना ध्यान रखें अभी भी, क्योंकि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने की संभावना है। जिस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं और डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मेंटेन डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गाइस जितने भी लोग इस तरह बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, उन सब लोगों से मेरी आग्रह यह है कि आप लोग मास्क पहनें, सैनिटाइजर यूज़ करें, डिस्टेंस बनाए रखें, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर आने की संभावना है। तो अपना ध्यान रखें गाइस, और ये ना भूलें कि कोरोना वायरल चल रहा है, तो उसमें हमें कैसी कैसी सेफ्टी रखनी है ये ज़रूर रखें। आइए दोस्तों चलते हैं चांदनी चौक मार्केट। तो देखते हैं गाइस चांदनी चौक का सफर कैसा रहता है। तो आइए चलते हैं चांदनी चौक चावड़ी बाजार मार्केट। तो दोस्तों ये है चांदनी चौक चावड़ी बाजार मार्केट, और यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी के शॉपें मिलेंगी जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं सस्ते दामों में। तो यहाँ पे अगर आपको लहंगे पसंद हैं और लहंगा लेना चाहते हैं तो काफ़ी वैरायटी के आपको लहंगे मिलेंगे। ये थोक बाज़ार मार्केट है और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ज्वेलरी ख़रीदनी हो, ज्वेलरी, लहंगाज लेना हो लहंगे, और सूट साड़ियाँ सारी यहाँ पे अच्छे से अच्छे दामों में मिल जाती हैं। और इसी से 10-15 मिनट की से आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको खारी बावड़ी मिलेगी। तो यहाँ पे खारी बावड़ी मार्केट जो है वो भी काफ़ी फेमस है ड्राई फ्रूट के लिए। तो वहाँ पे से आप अनेकों ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जो भी आपने लेना है कम दामों में। तो अच्छे से अच्छे यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है। कैमरा मार्केट अलग है, वहाँ पे आपको कैमरे वगैरह इलेक्ट्रिकल सामान जो भी आपने लेना है वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं। मोबाइल्स वगैरह ख़रीदना है, मोबाइल्स
अगर आप भरपूर मात्रा में सामान लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं सदर। जो सदर जो बाज़ार है यहाँ पे, दिल्ली का जो सदर बाज़ार है सबसे फेमस है, और यहाँ पे भी आपको थोक के हिसाब से सामान मिलता है। जो भी आप कॉस्मेटिक सामान यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मिलता है, तो यहाँ आके आप काफ़ी सारा सामान ले जा सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी के सारी चीज़ें मिलेंगी अवेलेबल। तो बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से आप काफ़ी अच्छा अच्छा सामान ले जा सकते हैं कम दामों में और कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो गाइस, चांदनी चौक जो मार्केट है, यहाँ पे आपको चांदनी चौक मार्केट भी मिलेगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की दुकानें मिलेंगी, जो भी आप सामान ले जाना चाहते हो, जो भी आप सामान खरीदना चाहते हो, सारा सामान आपको अवेलेबल होगा। यहाँ पे थोक के हिसाब से सामान मिलता है। लहंगा लेना चाहो, लहंगा, सूट, साड़ियाँ आपको बहुत ही अच्छे भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिलेगा। और इसी से आगे अगर आप जाते हो 5-10 मिनट के दूरी पे, यहाँ पे खारी बावड़ी है, जहाँ से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के ड्राई फ्रूट आपको मिलेंगे कम दामों में। और इसी से थोड़ा चांदनी चौक के ही नियर घड़ी मार्केट है, और चोर बाज़ार भी यहीं पे है। और रेड फॉल्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो रेड फॉल्ट भी चांदनी चौक से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे है। ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, तो नज़दीक ही है। अगर आप भरपूर मात्रा में सामान लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं सदर। जो सदर जो बाज़ार है यहाँ पे, दिल्ली का जो सदर बाज़ार है सबसे फेमस है, और यहाँ पे भी आपको थोक के हिसाब से सामान मिलता है। कॉस्मेटिक सामान यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मिलता है, तो यहाँ आके आप काफ़ी सारा सामान ले जा सकते हैं और उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी के सारी चीज़ें मिलेंगी अवेलेबल। तो बहुत ही अच्छी अच्छी मार्केट है मेरे फ्रेंड्स। ये सामने है गाइस जैन साहित्य सदन, और उसी के पास में है श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, और सामने है रेड फॉल्ट जो कि अभी बंद हो रखा है क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, तो अभी उसको बंद किया गया है, तो उसके बाद ही वो खुलेगा। तो गाइस अभी रेड फॉल्ट बंद है, तो अभी तो आप वहाँ पे घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त के बाद आप डेफिनेटली वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। आजकल यहाँ पे सारा बंद करा हुआ है, अलाउड नहीं है जाना। तो गाइस अगर आपका रेड फॉल्ट देखने का मन है, लाल किला देखने का मन है, तो आप 15 अगस्त के बाद ही यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन तो मोदी जी का भाषण है यहाँ पे। तो अगर आप वो देखने आना चाहते हैं तो वो देखने ज़रूर आएँ, लेकिन अभी वो देखने जा सकते हैं तो अभी तो सारा, अगर आप अभी रेड फॉल्ट देखने जाना चाहते हैं तो अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। अभी देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। फ्रेंड, हाउ डिड यू लाइक टुडेज वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो।
ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you.